इस बीच देखिए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न्योते को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, उनका कहना है कि विपक्ष के नेता सनातन धर्म का अपमान करते हैं, इसीलिए उन्हें अयोध्या में मंदिर जाकर माफी मांगनी चाहिए। अपमान करने वाले नेता अयोध्या जाकर अपने पाप धो लें। सुनिए, सनातन धर्म को लेकर के इंडिया गठबंधन ने कई सवाल खड़े किए थे। अब अयोध्या में उद्घाटन के अवसर पर कौन कौन आएंगे, क्या आएंगे, इस बारे में नित्यानंद राय जी से बात करते हैं। नित्यानंद जी, ये जो सनातन धर्म पर लगातार प्रहार होता रहा है, इंडिया गठबंधन के कई नेता करते रहे, अब तो उद्घाटन है, क्या आप चाहेंगे कि वो लोग भी आएं? घोर पाप कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं, सनातन देवी देवताओं को गाली देकर और अपने लोगों से गाली सुनवा कर। और अभी भगवान राम मंदिर के भव्य मंदिर का जब उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है, तो एक तरह से उसका भी विरोध कर, यह भारत के सनातन और संस्कृति को अपमानित कर रहे हैं। और यह अपमान जो सनातन और हिंदुओं को जो ये लोग कर रहे हैं देवी देवताओं को गाली देकर, और जो पाप अर्जित किए हैं, अब जाकर भगवान श्री राम के मंदिर में माथा टेक कर अपने पाप को दूर करना चाहिए, धोना चाहिए। इतना इन्होंने महापाप किया है। क्या इसका असर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में चुनाव पर भी होगा? देखिए, चुनाव से इसको जोड़ा नहीं जाना चाहिए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस देश की आस्था हैं वे, और उनके जब जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसमें इस तरह के विवादित बयान देकर आरजेडी जदयू के लोग और महागठबंधन के लोग जो अपमान कर रहे हैं देवी देवताओं को, यह बहुत ही अनर्थ है, आपत्तिजनक है। इन लोगों को भगवान और देवी देवताओं के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए, ताकि जीवन का पाप दूर हो सके। नित्यानंद राय को सुन रहे थे आप, और ऐसे में अब सवाल ये कि बीजेपी का जय श्री राम, 24 विजय का पूरा इंतजाम, क्योंकि इसी राम मंदिर के जरिए राम कृपाल जी विपक्ष को घेरने के लिए औजार भी है ना बीजेपी के हाथ में। देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि ये मंदिर वाला जो मामला है, ये आज से नहीं, मतलब जब ये संघ था उस समय से एक तरह से कह लीजिए हिंदू राष्ट्रवाद या सनातन राष्ट्रवाद की जो वो चीज़ थी, वो उसकी ओरिजिनल कॉपी है बीजेपी, मतलब वो जनसंघ का। तो देखिए, कुछ भी अगर इस तरह से जैसे एक लंबे पर्सपेक्टिव में आप देखिए, तो उसका फ़ायदा मिलेगा निश्चित रूप से। और बेसिक मैं ये बात कहता हूँ कि जब आपके पास एक, मान लीजिए कि किसको कहते हैं कि कोर स्ट्रेंथ, आपकी कोर स्ट्रेंथ वोट की जो हमेशा रहती है वो है आपके पास, तो मंदिर के नाम पर जो कुछ भी है, ये बीजेपी को जो उसका टारगेट रहता है कि 51%, तो मैं नहीं कह सकता कि होगा क्या, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, इंडिया अलायंस की क्या स्थिति बनती है, सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं से ये यूएसपी का काम करेगा। कि जैसे एक होता है घलवा की बात आप करते हैं कि सब्जी खरीद ली, तो एक घलवा के रूप में, तो मंदिर निश्चित रूप से इस माहौल में, कम से कम नॉर्थ इंडिया में, मैं नहीं कहता हूँ कि आंध्रा में भी ऐसे ही हो जाएगा या राम मंदिर तमिलनाडु में हो जाएगा, ऐसा मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन कम से कम काऊ बेल्ट में यानी उत्तर भारत में जो रहा है, अभी जैसे रिजल्ट आए हैं विधानसभाओं के, तो उसमें बीजेपी का प्लस पॉइंट है। तो कुल मिलाकर राम मंदिर का मुद्दा जिससे बीजेपी दो तरीके से फायदा मिलता हुआ बीजेपी को नजर आता है, एक तो ये वो मुद्दा है जो बीजेपी लगातार लेकर चली और कई दशकों के बाद आखिरकार अब जबकि मंदिर निर्माण और भव्य दिव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, तो जाहिर सी बात है वो मोदी की गारंटी वाली बात पर भी यहां पर मोहर लग रही है, और विपक्ष को घेरने के लिए एक औजार भी बीजेपी को मिल रहा है। ऐसे में आगे सवाल ये कि बीजेपी का अयोध्या एजेंडा इंडिया को कितना होगा घाटा, इस पर भी बात करेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।